गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ इज योर वेकेशन? वेकेशंस ऑन वेकेशन बोनस हो गए थे, है ना? चलिए क्या बेटा, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। बेटे घर से बाहर जाए फ्रिक्वेंटली, आप हैंड वॉश करें, यही फिजिकल एजुकेशन है मेन तो ना। टू मेंटेन योर हेल्थ प्लीज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, राइट? सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक causes of disability. Today's topic will discuss about types of disability, cognitive disability, memory disorder, intellectual disability. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से पर्सन को डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है या वो किसी भी फॉर्म में डिसेबल हो सकता है, राइट? तो फर्स्ट हमारे पास आ जाए ऐसे जेनेटिक कोर्स। जेनेटिक कोर्स क्या होता है? जेनेटिक कोड यूज करके जब भी आपकी डिसेबिलिटी आर नोन टू बी इनहेरिटेड, सच एज स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अबिलिटीज इन जीन्स और जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन क्योर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सबसे रीजन क्या होता है? बच्चों में, चिल्ड्रन में दे हैव सम डिसेबिलिटीज इन देयर जेनेटिक सिस्टम। जीन्स में एबनॉर्मलिटी है, कोई इनहेरिटेड कोई तो प्रॉब्लम मिली है, तो वहाँ पे क्या कॉज हो सकती है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और उस टाइम हद तक यहाँ पर डिजीज हो सकते हैं, इलनेस हो सकती है, या ओवर एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रमोट कर सकता है, उसके लिए हम पॉसिबल हो सकते हैं। हम किसी भी एक्सरेज के ओवर एक्सपोजर हो गया, एक्सरेज मशीन हो गई, हॉस्पिटल्स में क्लिनिक होती है, कोई सेंटर्स होते हैं एक्सरेज के, क्लिनिक होते हैं, वहाँ पर ओवर एक्सपोजर हो गया इन चीज़ों का, तो हमें कोई डिजीज है, कोई इलनेस है, तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर को फेस कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है हमारे पास पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है? गरीबी, जहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, जहाँ पे कि हम लोग कुछ अदर देन ब्रेड बटर सोच पाए, रोटी कपड़ा मकान के अलावा हम कुछ और सोच पाए, इससे कम ही हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं, उसको बोलते हैं पॉवर्टी। कि जहाँ पर हम गरीब रहते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, जहाँ पर हम अदर चीज़ों को ऑन कर सकें, उनको यूज कर सकें। पॉवर्टी क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है डिसेबिलिटी का। इसमें क्या होता है कि पुअर पर्सन्स होते हैं, इनके बहुत ही वल्नर होते हैं, बहुत ही सस्पेक्ट होते हैं टू फेस डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, राइट? बिकॉज दे स्टे एंड वर्क इन अनसेफ एरियाज विद पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज। वहाँ पे क्या है, उनका रहने का और काम करने का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही वीक होता है, हाइजेनिक नहीं होता, और जो सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज है उनके पास इनका पूरा कंट्रोल नहीं होता, उनके पास एक कोच नहीं होती इनको यूज करता है, राइट? उसके बाद क्या आता है कि इनका लिविंग जो सिस्टम है वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, जिसकी वजह से ये अपने आप को अपने से और अच्छा करने से सकते हैं। बस मॉर्निंग में उठना, शाम को इतना काम करना है, सो दैट दे कैन लीव देयर लिविंग्स, राइट? उसके बाद क्या है, इनके पास एजुकेशन नहीं है, उसके बाद दे डोंट हैव क्लीन वाटर और यू नो सैनिटेशन, इनके पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं होता, इनके एनवायरनमेंट में वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, टैक्स होते हैं ऊपर होते हैं, उनके ऊपर कैप नहीं होती, कैप जो रनिंग में रहते हैं वहीं पे ही 4-5 रुपये कॉमन होता है, तो इंडिविजुअल की वजह से कि आपका हमारे घर में होता है कि कॉमन है, इंडिविजुअल है, बट वो लोग एक कॉमन स्पेस से कॉमन टैंक से कॉमन टैंक से वाटर यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत जल्दी बहुत क्लोज रहते हैं डिसेबिलिटीज, राइट? उसके बाद क्या है कि जेस्टेशन के टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे उन मदर्स को उतना अच्छा डाइट नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो एक हेल्दी बेबी को बर्थ कर सके, जिसकी वजह से क्या वो बच्चा जस्ट आफ्टर बर्थ डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट कर सकता है, डिसेबिलिटी को फेस कर सकता है। दिस इज योर पॉवर्टी, राइट? नेक्स्ट है बस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा इशू क्या है, सबसे बड़ा वीक पॉइंट क्या है? यू कैन नॉट जज द मेंटल स्टेटस ऑफ अदर पर्सन। सामने वाले ने कोई बात की है, एक फर्स्ट हैंड पर, सेकंड हैंड पर, थर्ड हैंड पर आप किसी पर्सन के मेंटल हेल्थ को, मेंटल स्टेटस को क्लासीफाई कर सकते हैं, ये पर्सन ऐसा ही है, बहुत समझदार है, ठीक ठाक है, कम समझता है, इसके लिए बहुत टाइम लगता है, और ये टाइम
ही प्रमोट कर देता है। अगर वो पर्सन मेंटल हेल्थ के स्टेटस में नहीं है तो वो धीरे धीरे उन एक्टिविटीज को कंटिन्यू करता है, वो एक्टिविटी जज नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से क्या है वो डिसेबल हो सकता है। जैसे क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर आपके पास है, डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, इन तरह की चीज़ों को डायग्नोज करने में टाइम लगता है और बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं बहुत जल्दी ही डिसेबिलिटी को गेन कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट आपका एक ऑप्शन है कितनी फास्ट बाइक होती है ना, मतलब कि अगर मैं अपने ऐसे स्टूडेंट की बात करूँ तो हम सुना करते थे कि कार आती है फॉरन में वो 0 to 100 किलोमीटर विद इन 10 सेकेंड विद 15 सेकेंड वो गेन कर लेती है स्पीड को। लेकिन अगर आज की लाइफ को देखें तो आज हमारे सराउंडिंग में वो बाइक्स है जो 0 to 100 की स्पीड 10 सेकेंड में 5 सेकेंड में गेन कर लेती है ना, तो कितना फास्ट लाइफ होता है 5G 3G 4G कितना फास्ट लाइफ आ गई है। आज हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब से पढ़ रहे थे, सुना करते थे कि फॉरन में वो स्टूडेंट्स बुक्स से लेके आते हैं, लैपटॉप कैमरा से नोटपैड के पास होती है उसे पढ़ते हैं, आज पढ़ रहे हैं। तो इस टीडी लाइफ के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना ही बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अपनी स्पीड को मेंटेन करना बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उस स्पीड को मेंटेन करते हुए कई बार डायवर्सन आते हैं, कई बार डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट को फेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिसेबिलिटी को फेस कर सकती है। राइट, ये आपका एक्सीडेंट है। दूसरा एक्सेप्ट का इन्फेक्शन डिजीज का सबसे बड़ा कंडीशन आपकी इम्यूनिटी पावर से, जितना आज के टाइम में आप देख रहे कोरोना COVID-19 है, जितने क्या क्या रहता है, जो जिसकी इम्यूनिटी वीक है वो ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, वो उसको कोरोना ईजिली हो सकता है। दिस इज इन्फेक्शन डिजीज कि किसी अगर आपकी या किसी बच्चे की जिस पर्सन की इम्यून बींग की अगर इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो अदर देन कोरोना तो अभी आया है, अपीयरेंस में आया, सामने आया है, इनके अलावा ही बहुत सी डिजीज हैं, जैसे ममरस है, गले का इन्फेक्शन है, उसकी वजह से क्या है उसका पोलियो वैक्सीनेशन जा सकती है, तो बच्चों को पोलियो हो सकता है। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्शन डिजीज होती है ये डिपेंड करती है आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पर, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कितनी आपकी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो यू आर फार फार बेटर देन अदर पर्सन। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये पॉइंट आपके पास नहीं है, इससे आप पॉजिटिव हो, इवन देन यू कैन हैव डिसेबिलिटी। तो इनर स्ट्रेंथ इज द फर्स्ट ऑपोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ इम्यूनिटी। अगर आपके पास इम्यूनिटी पावर को मेंटेन करने के एक्सरसाइज है, डाइट है, तो आप इन डिसेबिलिटी से को अवॉइड कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो, डिले कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन बात करेगा हमारे को कि हम कभी भी डिसेबिलिटी को फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसका, सबसे पहले हम पॉजिटिव बात करते हैं। आपको पता है कि हम लोग यहाँ इंडियंस जो है वो ज़्यादातर गाँवों में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं, शहर तो अभी 15-20-25 साल से बनने शुरू हुए हैं, अभी मेट्रो सिटी चार ही गिनती हम लोग। अगर डी डी न्यूज़ पे अगर आप वेदर रिपोर्ट्स सुनो तो चार एरिया को बताता है, बाकी कंट्री में वेदर रिपोर्ट नहीं होती, लेकिन डेवलप नहीं हुआ। अभी भी हमारे बहुत से लोग मिक्स में, अगर ज़्यादातर बात करूँ 50% स्ट्रेंथ हमारी अभी भी गाँवों के गाँवों में रहती है। तो उन गांवों तक पहुंचने के लिए हेल्थ केयर का कोई सोर्स ही नहीं है, अगर हेल्थ केयर की अप्रोच ही नहीं होगी तो हमें कैसे पता लगेगा अब कोरोना चल रहा है, अब बच्चे उठा के कोरोना से कैसे बचना है, हैंड वॉश करने हैं, सैनिटाइज यूज़ करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि वो पब्लिकली अप्रोच है, हर चीज़ में आ रहा है सामने, अब वो इजीली हो गया। अब कोई क्लास को लाइन बैठाया, क्लास बुलाई बैठाया, बेटे ऐसे हैंड वॉश करते हैं, ऐसा मास्क होता है, इतनी दूर वो मेजर टेप लेके बैठते हैं, ऐसा नहीं है, हमारी हैबिट में आ गया, क्योंकि वो अप्रोच इजीली अप्रोच है, हर जगह वो बनाया जा रहा है, हर शॉप के बाहर लगा हुआ है, हर कॉलेज के बाहर, कॉलेज के बंद बड़े ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, अभी लॉकडाउन रहा। तो जब तक अप्रोच नहीं रहेगी आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की PHC की, तब तक इशू रहेगा इन तरह की डिसेबिलिटी का। हमें पता ही नहीं होगा, बुखार को तो इंडियंस कभी टेंशन लेते ही थे, मान तो ना पा, हमें कितने लोगों ने बुखार में मेडिसिन ली होगी, कभी भी नहीं, बहुत रेयर केस होगा, अगर चले गए तो बुखार खांसी जुकाम तो बीमारी मानते ही है ना। तो जो ये इस तरह के रिसोर्सेज होते हैं ये कई बार फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो जाते हैं और डे बाई डे बुखार ठीक हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बुखार कैसे ठीक होता है, ऑन द कॉस्ट ऑफ योर इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी बुखार ओवरकम हो गया, लेकिन उसने वो एनर्जी यूज़ कर ली है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग की बात करता है, डॉक्टर्स नहीं है गाँव में, आज भी बहुत से लोग तेरे हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम डिलीवरी टाइम पर हॉस्पिटल जाते हैं, जाते हैं घर में ही जो लोकल जो डॉक्टर्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। राइट, ठीक है ना।
प्रेगनेंसी डिलीवरी ही बहुत इंपॉर्टेंट हुई है, आफ्टर बर्थ अगर बच्चे कोई एमरजेंसी हो तो कौन संभालेगा उसको, एक्सपर्ट वहाँ पर है ही नहीं, तो वो क्या वो बाय बर्थ डिसेबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आपके पास मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और मेडिसिन में दो कंसेप्ट आते हैं, एक मैंने बात करके बोला मतलब पहली बात पर बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, अब तो खैर ड्रास्टिक चेंज आ गया, अब तो हम लोग कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अब आज हम प्राउडली कह सकते हैं इंडिया इज अ पोलियो फ्री कंट्री, इंडिया में पोलियो आज नहीं है ना ड्यू टू मेडिसिन एंड वैक्सीनेशन। तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या आता है मेडिसिन और वैक्सीनेशन का, जो हमने ध्यान रखना है कि हमने हमेशा एक अप्रूव्ड डॉक्टर से, लाइसेंस डॉक्टर से ही दवाई लेनी है। ये आपने बहुत आपको बहुत छोटे आपने सुना होगा कई बार मेडिसिन गलत दी जाती है, इंजेक्शन गलत इंजेक्ट हो जाता है, उसकी जो डोज होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो वहाँ पे भी ये वैक्सीनेशन मेडिसिन ब्लेसिंग ना होकर कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बन सकता है अगर वो प्रॉपरली तरीके से इंजेक्ट ना किया जाए, एक्सपर्ट द्वारा ना दिया जाए। अब एक मेडिसिन की डोज है पोलियो की दो बूंद जिंदगी की, अब पोलियो है पूरी बोतल पिला दो क्यों, डोज है दो बूंद, ठीक है ना। तो वैक्सीनेशन और मेडिसिन जो है हमेशा आपको एक ब्लेसिंग डॉक्टर ऑथराइज डॉक्टर से कंसल्ट करना है, लोकल डॉक्टर्स को प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड करें, वो दिक्कत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ एजुकेशन के साथ समझे बात, लैक ऑफ एजुकेशन कि अब हमें पता ही नहीं कि डिसेबिलिटी होती कैसी है, अगर मैं भगवान ने कहे किसी एक पर्सन को कोरोना हो गया, अगर वो कहे कि मुझे पता ही था कोरोना कैसे होता है तो मानो क्या, नहीं मानना, क्योंकि सर अब तो ये आजकल हो रहा है, इतना फ्रीक्वेंटली बताया जा रहा है टीवी में, जितनी ऐड आती है वो सारी कोरोना फ्री, बैक्टीरिया का देखिए जो भी साबुन का ऐड देख लो, शैम्पू का ऐड देख लो, सर्फ का ऐड देख लो, डेटोल का ऐड देख लो, किसी सब के सब कोरोना का इफेक्ट कर रही है, उसके बाद भी कोरोना हो गया, क्यों, क्योंकि एजुकेशन है। तो एजुकेशन इज द फर्स्ट एंड टॉपमोस्ट रिक्वायर्ड टू मेंटेन दीज काइंड ऑफ हजार्ड्स, दीज काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल्स हिंड्रेंस, जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम कैसे करेंगे, है ना। तो ईच वन शुड बी एजुकेशन एजुकेटेड एंड एजुकेटेड फॉर ईच वन, सबके लिए शिक्षा हो, सब शिक्षा को ग्रहण करें, उससे ही हम इस चीज़ों को ओवर कर सकते, जब तक हमें पता ही नहीं होगा तब तक हम कैसे करेंगे, हमने बाइक चलाना सीख लिया उसको रुकना आता ही नहीं हमारे को, तो क्या आप कह सकते आपने बाइक चलाना सीखा है, नहीं सीखा, वो सिर्फ थियोरेटिकल ही है, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल बुक्स में लिखा ही हुआ है, उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो मेंटेन द एजुकेशन कंसर्न योर इन्वायरमेंट, वो भी स्टूडेंट का बात करें ताकि क्या आपने डिग्री का डॉक्टर बन गए, इंजीनियर सी बन गए, डॉक्टर बन गया, आपके एडमिशन वो बहुत होगी, ठीक है, बट सराउंडिंग में क्या हो रहा है वो भी एडमिशन का पार्ट है, कि आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में कितने केसेस हैं, क्या हमें और कुछ करने की रिक्वायरमेंट, ये कैसे आ रहा है, डेली अपडेट होता है 24 आवर्स, तो प्रोफेशन होगी रिक्वायरमेंट, एजुकेशन है, नॉलेज है कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस स्टेट में कितने केस हो रहे हैं, कहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेट ने लॉकडाउन बढ़ाया है, लॉकडाउन क्यों बढ़ाया, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज, वो लिखा जाता है टेबल बन रही थी, बॉम्बे में इतने केस है, बॉम्बे में धारावी में इतने केस है ना, ये एजुकेशन सिस्टम ने अपना टेबल बन लिया, उसके थ्रू वहाँ पर स्टैप लिया गया, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी हद तक रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया, आ जाएंगे 72% रिकवरी रेट इंडिया का, आज 7th of July पूरे वर्ल्ड में इतना कहीं नहीं आ सकता कि 72% रिकवरी रेट है, और न्यू केसेज का रिकवरी न्यू केसेज का जनरेशन ऑलमोस्ट 22% आ चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन नहीं, आप लोग कम थोड़ी है, हम आगे जा रहे हैं फिर भी करते हैं एजुकेशन से, राइट। उसके बाद है वॉस, वॉर हो जाता है ना, झगड़े जाते हैं, एक्सप्लोसिव हो गया, न्यूक्लियर का न्यूक्लियर बम यूज हो गया, आपने सुना ही होगा कि हिरोशिमा में बम 1945 में गया था, आज भी वहाँ पे जो बेबीज होते हैं उनमें कोई ना कोई हेल्थ इशू होता है, डिसेबिलिटी होती है, तो वो हो जाता है। उसके बाद क्या है आपके पास आपकी इलनेस है, फ्रिक्वेंटली कोई पर्सन बीमार हो जा रहा है, धीरे 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 क्या होगा फिर उसको एक सपोर्टिंग सिंपैथेटिक एक सपोर्ट मिल जाएगी, हाँ ये बीमार रहता है जी, तो फिर वो धीरे धीरे काम करना शुरू करेगा, कम करना शुरू करेगा, धीरे 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 वो कहीं ना कहीं वो बस एक पेशेंट बन के रह जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ इलनेस। तो साइकोलॉजिकल आप इसको कहना है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, दिस इज द टॉप मोस्ट स्लोगन फॉर कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी, राइट। तो विद दिस वर्ड्स द कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी इज कवर्ड नाउ, लेटर वी विल डिस्कस टाइप ऑफ डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटी।